सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। और इस वीडियो के अंदर गाइस मैं कास्टिंग कर रहा हूँ एक टूर्नामेंट की, जो कि नाइटमेयर एमएसडी जो कि एक मेरा फ्रेंड है उसने ऑर्गेनाइज़ किया था। सो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ यार कि मतलब कौन सी टीम यहाँ पर चिकन निकालने वाली है, बिकॉज यार बहुत सारे बंदे 87 पीपल्स इस मैच के अंदर एंड आई थिंक इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। लेट्स सी, फिर फ्लाइट पा देख लेते एक बार। ओके, सो यहाँ पर फ्लाइट पा देख सके तो थोड़ा सा मतलब क्वेरी के लेफ्ट साइड से मतलब होकर एंड यहाँ पर स्टॉल बार को जा रहा है। तो आई थिंक जो हॉट ड्रॉप होने वाले यहाँ पर वो होने वाले गटका, पोचिंग की स्कूल, रोजोक एंड जॉर्जा पॉल मे भी, क्योंकि एंड आई थिंक जो भी एक्सपीरियंस टीम है, जो भी मतलब जिन्होंने पहले कस्टम्स खेल चुके हैं, वो आई थिंक सेंटर में अभी जाना अवॉइड करेंगे, बिकॉज उन लोग चाहेंगे कि मतलब एज पर जाएं और वहाँ से लूटें एंड देन उसके बाद फटाफट मतलब सेंटर में आने की ट्राई करेंगे, बिकॉज कोई भी ये नहीं चाहेगा कि कोई भी टीम मतलब अभी राइट ना हो, कोई भी टीम अभी अर्ली एग्जिट लेना नहीं चाहेगी, बिकॉज ये भी एक बड़े लेवल का टूर्नामेंट मैच है। सो लेट्स सी कौन सी टीम ने कहा एंड एक बार चलते हैं अब सीधा हम चलेंगे टीम नंबर 22 या 20 की तरफ, बिकॉज वो लोग अभी हॉट ड्रॉप की मतलब आई थिंक उन्होंने हॉट ड्रॉप किया जॉर्जा बॉल में। सो विल हैव टू सी कि उनके पास कितनी टीम से, और यहाँ पर देख सकते हैं गन शॉट हमको सुनाई दे रहे हैं और यहाँ पर किल फीड में देख सकते हैं एक्स एक्स ब्रेसर्स ने यहाँ पर नॉक कर दिया पहला, इस कस्टम रूम का पहला नॉक लेते हुए टीम नंबर 20 ने टीम नंबर 8 के एक बंदे को नॉक कर दिया। आई थिंक ये इनके सामने इजी नॉक एंड फिनिश हो जाएंगे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बट लेट्स सी। यहाँ पर तीन टीमें एंड जैसा कि मैंने कहा था इजी नॉक एंड फिनिश हो जाएंगे, बट आई थिंक यहाँ पर सामने वाली टीम भी कोई मतलब वो कहते हैं ना कि कच्ची गोटी नहीं खेली, आई थिंक उन लोगों की तरफ से भी कोई ना कोई ट्रेड फायर तो जरूर आएगा। बट लेट्स सी कि यहाँ पर से जो दो या तीन टीम है उसमें से कौन सी एक टीम जॉर्जिया पॉल को जीत कर जाती है। लेट्स सी, और यहाँ पर देख सकते हैं लेज ग्रैब का फीचर बहुत ही बढ़िया तरीके से एमिन वाले, यहाँ पर किल फीड में आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बंदे ने उजी से नॉक कर दिया है। एंड अभी यार इस आई डोंट नो कि फर्स्ट प्लेयर वो कौन था जो कि नॉक एंड फिनिश हुआ है। हम अपने मीन वाइल गई और गन शॉट आते हुए हम आपको ओवरव्यू से दिखाएंगे एक बार गोस्ट गॉड जो कि एक साइड के कंटेनर पर जा चुके हैं। आई डोंट थिंक कि उनके पास कुछ खास लूट है, दैट्स वाई। एंड यहाँ पर मीन वाइल टीम 20 जो कि अभी वेयरहाउस पर आई थिंक रोटेट करा उन्होंने, उनको पता नहीं कि भी बंदा कहाँ है यहाँ पर या और कितनी टीम है। एंड देख सकते हैं इसी के साथ टीम नंबर 22 टीम नंबर 22 के आई थिंक दो ही बंदे मुझे दिख रहे हैं जो कि जॉर्जो सिटी को लूट रहे हैं। एंड टीम नंबर 20 ने अभी यहाँ पर रोटेशन दे दिया है ट्रिपल वेयरहाउस की तरफ, एंड आई थिंक वो लोग टीम नंबर 8 का जो बंदा है घोस्ट गॉड उसको ढूंढ रहे होंगे कि बिकॉज उनको पता है कि उन्होंने एक बंदा नॉक एंड फिनिश किया तो उसका एक और बंदा होगा टीम का। एंड लेट्स सी कि इनका अप्रोच यहाँ पर कैसा रहता है, बिकॉज यहाँ पर जॉर्जो पर की जो भी फाइट होती काफ़ी है। इसी के साथ देख सकते हैं यहाँ पर एक शॉटगन से नॉक देखने को मिला है, ओ माई गॉड, यहाँ पर शॉटगन से एक हेडशॉट देकर एक और बंदे को नॉक कर दिया है। एंड घोस्ट गॉड यहाँ पर फिर से सेंटर के कंटेनर्स पर रोटेशन देते हुए, एंड आई थिंक टीम नंबर 2 के एक बंदे ने उनको स्पॉट कर लिया है फिर उनको, एंड डेफिनेटली एज आई सेड घोस्ट गॉड यहाँ पर उनका, ओ माई गॉड, घोस्ट गॉड ने यहाँ पर नॉक कर दिया है। एंड इसी के साथ टीम नंबर 20 उनको थर्ड पार्टी करने के लिए एब्सोल्युटली रेडी, और यहाँ पर घोस्ट गॉड ने नॉक एंड फिनिश। एंड पबजी की भाषा में कहा जाता है इफ़ यू गेट नॉकड आउट एंड यू गेट किल्ड विद इन जस्ट 5 सेकंड देन यू वर रियली इन बैड पोजिशन। सो लेट्स सी यहाँ पर टीम नंबर 2 ने यहाँ पर उनका ट्रेड फायर तो नहीं किया बट उसका बदला लेकर उस बंदे को फिनिश कर दिया। यहाँ पर टीम नंबर 2 का जो बंदा है घोस्ट है बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में दिख रहा है मुझे, बिकॉज उसके तरफ चार बंदों का पुश आ रहा है। लेट्स सी उसका अप्रोच क्या होता है, कैसे वो इस फाइट को हैंडल करता है। आई डोंट थिंक कि वो सर्वाइव कर पाएगा बिकॉज तीन बंदे एक साथ पुश कर रहे हैं, एक बंदा फ्लैंक करके पुश कर रहे हैं, एज आई सेड चार बंदे यहाँ पर पुश कर रहे थे। ये इतना मतलब कभी इजी नहीं हो सकता जब चार बंदे यहाँ पर पुश कर रहे हो और आप अकेले और आप पे कुछ खास लूट भी ना हो। एंड यहाँ पर इसी के साथ टीम नंबर टू का था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो बंदा खत्म हो चुका है। एंड इसी के साथ जोन का शिफ्ट, ओ माय गॉड, काफ़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पर जोन का शिफ्ट देखने को मिला है। देख सकते मिलिट्री बेस पूरा का पूरा जो आईलैंड है यहाँ पर जोन शिफ्ट हुआ है। सो मैं यहाँ पर बहुत एक्साइटेड हुई है देखने के लिए कि कौन सी टीम जो है नोवो एंड मिलिट्री के बीच पर मिलिट्री बेस के ब्रिज पर जाकर कैंप लगाती है। देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि कौन सी टीम सबसे पहले जाएगी, कौन सी टीम सबसे पहले उस मतलब कहते हैं कि जाल में फंसेगी। लेट्स सी यहाँ पर टीम नंबर 6 का रोटेशन मुझे दिख रहा है, देख सकते हैं टीम नंबर 6 ने रोटेशन दिया है जोन की तरफ, एंड आई डोंट थिंक कि उनको पता भी है या नहीं टीम नंबर 19 उनका वेट कर रही है। आई थिंक मतलब टीम नंबर यहाँ पर निकल चुके हैं, ये तो खैर बहुत बढ़िया बात है। लेट्स सी अगर जोन ये लोग आई थिंक कैंप लगाएंगे टीम नंबर 10 मीन वाइल यहाँ पर सामने कैंप लगा रखा है इन लोगों ने टीम नंबर 10 ने, एंड टीम नंबर 10 के आई थिंक पूरे के पूरे चार बंदे। एंड दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी यहाँ पर इस कस्टम रूम का पहला ब्रिज कैंप हमको देखने को मिल सकता है। एंड यहाँ पर गन शॉट आते हुए यहाँ पर टीम
कि फाइटिंग बहुत सॉरी मतलब ये फाइट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, बिकॉज आई डोंट नो कि कौन सी टीम के पास कौन सी गन है एंड क्या उनके पास स्कोप है। एंड यहाँ पर देख सकते हैं AKM एंड DP का कॉम्बो है इनके पास, एंड इनका जो दूसरा टीममेट है आई थिंक ओके यहाँ पर बहुत ही बढ़िया नेड की बारिश होती हुई, एंड आई थिंक उन लोग डायरेक्ट पुश करना चाहेंगे। यहाँ पर मैं एक बार आपको ओवरव्यू की तरफ ले जाता हूँ एंड यू कैन सी, और यहाँ पर बहुत ही प्यारा नेड यहाँ पर सीधा नॉक कर दिया एंड इस ओ माय गॉड यहाँ पर ट्रेड नॉक लेते हुए अपनी टीम के लिए एक बंदा सामने वाली टीम का नॉक कर दिया एंड आई डोंट थिंक सो कि ही वॉन्ट्स टू यू नो ही वॉन्ट्स टू फिनिश एंड आई थिंक यहाँ पर फिर से रोटेट किया है। ओ माय गॉड दैट वॉज ओ माय गॉड यहाँ पर टीम नंबर 6 का क्या ओपी क्लच देखने को मिला है। ओ माय गॉड दैट वाज इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1v3 और मे बी 1v4 था, बट क्या क्लच करके दिखाया है EXC के वैनम। ओ माय गॉड वैनम रिमेंबर दिस नेम भाई, क्या क्लच करके दिखाया इस बंदे ने। मतलब इसका एक बंदा ऑलरेडी नेट से डाउन हो चुका था, उसके बाद भी मतलब इस तरीके का परफॉर्मेंस दिखाना, ओ माय गॉड दैट वॉज रियली रियली ओपी। टीम नंबर 13 जो राइट स्क्रीन पर, आई थिंक इन दोनों के बीच में फाइट हो सकती है, यू नो दे इफ दे स्पॉट ईच अदर, बट लेट्स सी वी विल हैव टू वेट एंड वॉच। एंड मीनवाइल यहां पर देख सकते हैं ओ माय गॉड थंडर ओपी गॉड नॉक्ड आउट, क्या शॉट मारा कार 98 का टीम नंबर 13 ने। ओ माय गॉड लेट्स मूव ऑन टू देम एंड लेट्स सी उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि किस तरीके से फाइट चल रही है यहां पर टीम नंबर 13 का नेक्स्ट युवा। और यहां पर मीनवाइल यहां पर उनके बंदे आई थिंक ट्रेड फायर हो रहा है उसी के टीम के तरफ से एंड ओ My God, क्या ओपी स्प्रे था 16A4 का, आई मीन जो टैप टैप करके जो नॉक एंड आई थिंक दे विल ही विल गेट नॉक एंड फिनिश। यस एंड एज आई सेड बिफोर, अगर आप नॉक एंड फिनिश होते तो विद इन 5 सेकंड देन यू वर रियली रियली इन बैड पोजिशन। और एंड मीन वाले देख सकते हैं यहाँ पर टीम नंबर 24 का जो IPT सिद्धू ओपी, उन्होंने रोटेशन दे दिया है एंड आई थिंक यहाँ पर इनको फुटस्टेप या फिर जो कुछ व्हीकल का साउंड है वो आ चुका है। टीम नंबर 24 ने नीचे से भी रोटेशन दे दिया है। ओ माय गॉड यहाँ पर स्मोक स्पैम किए जा रहे हैं, दैट इज अ गुड थिंग। यहाँ पर देख सकते हैं स्मोक का जो यूज़ हो रहा है दैट्स अ गुड थिंग। एंड यहाँ पर ओ माय गॉड ये फाइट तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज इट्स अ 2v4 सिचुएशन एंड इट्स नेवर कैन बी इजी फॉर एनी टीम जो कि 2-man स्क्वाड है। यहाँ पर 24 के बंदे फुल अग्रेशन दिखाते हुए टीम नंबर 24 का सिद्धू ओपी प्रोन हो चुके हैं, उन्होंने रोटेशन दिया। यहाँ पर एक और बंदा नॉक हो चुका है, दिस विल बी इजी बिकॉज 1v4 का सिचुएशन एंड कर्मा यहाँ पर थोड़ा सा फॉल बैक करने की ट्राई कर रहे हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एंड कर्मा ऑलरेडी आई थिंक वो नीचे है। ओ माय गॉड क्या। एंड मीनवाइल देख सकते हैं अभी जोन काफ़ी बड़ा है, बट स्टिल देर आर 11 टीम्स अलाइव राइट नाउ एंड 37 प्लेयर्स। ओ माय गॉड अब जो मतलब प्लेयर्स खत्म होने वाले हैं वो पता एक दो करके नहीं, अब सीधे गुच्छे में प्लेयर खत्म होने वाले हैं, मतलब एक साथ दो दो तीन तीन टीम। एंड मीनवाइल यहाँ पर टीम 22 ने डायरेक्ट ओपन में रश कर दिया बिकॉज आई थिंक टीम नंबर 24 के एक या दो बंदे नॉक कर दिए। फिर से एक और बार देख सकते कार 98 का एक हेडशॉट देखने को मिला है एंड रॉ का बंदा नॉक हो चुका है। एंड यहाँ पर रॉ किंग ने रश ओके ये सामने वाली टीम के तरफ से आई थिंक ट्रेड नॉक आ रहा है। टीम नंबर 22 विल मूव ऑन टू देम ओके टीम नंबर 22 ओके टीम नंबर 22 एंड टीम नंबर 24 ऑल राइट तो वी विल सी बाय द टीम नंबर 22 ओके ये वही टीम है जो ब्रिज पर कैंप लगाकर बैठी थी एंड इनकी टीम के दो बंदे डाउन एंड सामने वाली टीम के तीन बंदों ने इन पर पुश कर दिया एंड दैट विल बी इंटरेस्टिंग दिस विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि इन लोग इन इस टीम का अप्रोच क्या आने वाला बिकॉज और यहाँ पर बहुत ही ओपन में जाकर स्मोक करना दिस कैन बी रियली रियली डेंजरस बट आई थिंक उन लोग उनका ये प्लेयर रिवाइव करना चाहेंगे एंड आज यहाँ पर उनको स्पॉट कर दिया एंड बहुत ही प्यारा सिंगल टैप। ओ माय गॉड एंड यहाँ पर ट्रेड फायर में नॉक होते हुए यहाँ पर और ये देख सकते हैं पूरा का पूरा इनएक्सपीरियंस दिखता है यहाँ पर क्योंकि मतलब ये शॉट ले रहे थे इनकी कवर में कोई भी नहीं था और अभी एक ही पोजीशन एक ही रॉक के पीछे चार बंदे मुझे दिख रहे हैं और यार अगर गलती से भी एक नेट भी आ गया यहाँ पर तो यार ये इजी फिनिश हो जाएंगे इजी। लेट्स सी यहाँ पर टीम नंबर 24 मैंने जैसे कि आपको दिखाया टीम नंबर 15 ओ माय गॉड टीम नंबर 22 आई डोंट नो वो वहाँ पर क्या कर रहा था वो यहाँ पर सॉरी एंड यहाँ पर देख सकते हैं तीन टीमें अभी एक साथ फाइट कर रही है एंड स्मोक्स विल बी यूज्ड यहाँ पर स्मोक्स का भी बहुत इंपॉर्टेंस होने वाला है। दूर सर यहाँ पर ओ माय गॉड M24 का एक हेडशॉट मिला है एंड ही गॉट नॉक एंड फिनिश। सो अभी
जो टीम मतलब किसी पर रश दूसरी टीम पर रश करने आई थी वो टीम तो अभी फिनिश नहीं कर पाई, बट दूसरी टीम का दूसरी टीम के साथ फाइट चल रहा है। यहाँ पर क्या 16A4 चल रही है यार, उस बंदे को मैंने पहले भी चलाते हुए देखा था, सिद्धू ओपी यार, उसका वन टैप जो मेरे को लगा मतलब बढ़िया यार वन टैप करा था। सिद्धू ओपी ने एक और बंदा 16A4 से नॉक कर दिया है एंड आई थिंक ही विल ट्राई टू नॉक हिम नॉक एंड फिनिश हिम डाउन बिकॉज यू नो नोबडी वॉन्ट टू लिव एनी वन राइट नाउ। अभी फिनिश कर दिया इस टीम को एंड लेट्स सी, अभी कोई भी टीम सेंटर में नहीं जाना चाहती बिकॉज यू नो एवरीवन राइट नाउ वांट्स टू होल्ड द एज ऑफ द जोन बिकॉज उनको पता है अगर सेंटर में गए तो कहां कहां से पड़ेगी उनको भी नहीं पता चलेगा। मीनवाइल यहां पर सिद्धू ओपी, ओ माय गॉड क्या बंदा, इन्होंने जो किल्स करके निकाला है वो भी अपनी टीम के लिए 16A4 से, दैट्स अ क्वाइट अमेजिंग स्किल बिकॉज टैप टैप वो भी 16A4 पर करना बिकॉज उस गन का टैप टैप फास्ट है बस उसका डैमेज इतना नहीं, सो यू नो आपकी एक्यूरेसी लेवल बहुत हाई होना चाहिए उसके लिए। एंड यहाँ पर मीनवाइल टीम नंबर 18 का बंदा नॉक कर दिया यहाँ पर सिद्धू ओपी ने, ओ माय गॉड सिद्धू पाजी इज रियली ओपी। एंड यहाँ पर इसी के साथ उनको पता है कि ऊपर भी एक टीम उनका वेट कर रही है, गन शॉट्स आ रहे हैं, ही विल वांट टू नॉक एंड फिनिश, ओ माय गॉड एज आई सेड, और उन्होंने नॉक एंड फिनिश कर दिया। ओ माय गॉड यहाँ पर डीपी का स्प्रे, यहाँ पर सिर्फ 8 या 10 गोली लगी होगी उनको हार्डली एंड ही गॉट नॉक्ड आउट। सिद्धू ओपी पर देख सकते हैं यहाँ पर टीम नंबर 24 आई थिंक काफ़ी मुझको एक्सपीरियंस लग रही बिकॉज जैसे ही उनका बंदा नॉक हुआ उन्होंने डायरेक्ट मतलब को रिस्क एंड टीम नंबर 24 राइट नाउ इज इन रियली रियली स्ट्रॉन्ग पोजिशन बिकॉज 5 टीम्स आर अलाइव एंड टीम नंबर 24 ही एक ऐसी टीम है जिसके 4 बंदे अलाइव है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस दे आर 4 मैन स्क्वाड राइट नाउ एंड दे आर वेरी क्वाइट। एंड हम फिर से ओ माई गॉड मुझे भी पता नहीं चल रहा है। ओके यहाँ पर टीम नंबर 9 है टीम नंबर 20 के थ्रू की बहुत ही बढ़िया फाइट चल रही थी, वहाँ पर ग्रोजा, ओ माय गॉड जो ग्रोजा का स्प्रे दिया आई थिंक वो बंदा तो वहीं पर डर गया होगा कि भाई ये क्या चला रहा है, घर 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 घर, ओ माय गॉड। यहाँ पर टीम नंबर 22 के तरफ डायरेक्ट पुश एंड ओ माय गॉड व्हाट अ क्लच दिस इज बीन, ओ माय गॉड नवदीप 05 रियली ओपी, बट अभी इनका एक बंदा नॉक है सो यू नो इनको जल्दी से रिवाइव करके दे विल ट्राई टू गेट इनसाइड द जोन एंड टीम नंबर 22 उनके जस्ट लेफ्ट साइड पर एंड टीम 3 टीम्स अलाइव राइट नाउ, टीम नंबर 24 टीम नंबर 22 का सिर्फ एक ही बंदा टीम नंबर 9, सो आई थिंक द फाइट विल बी बिटवीन टीम नंबर 24 एंड टीम नंबर 9 एंड टीम नंबर 9 इज ऑल्सो लुकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग विथ 3 मैन स्क्वाड, इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि कौन सी टीम का बंदा सबसे पहले किसको स्पॉट करता है। टीम नंबर 224 लुकिंग वेरी एक्सपीरियंस्ड इन दिस कस्टम रूम मैच बिकॉज वो लोग 2 एंड 2 की स्प्लिट टेक्निक से खेल रहे हैं, टेक्निक बोलो या जो भी बोला, टीम नंबर 24 का यहाँ पर बहुत ही आगे पुश आ चुका है टीम नंबर 9 की, आई थिंक उन्होंने स्पॉट कर लिया होगा कि व्हीकल है एंड व्हीकल के पीछे कोई ना कोई बंदा भी होगा, यहाँ पर जो व्हीकल का साउंड भी उनको आ चुका है टीम नंबर 9, आई थिंक उन्होंने व्हीकल से स्पॉट करा होगा। टीम नंबर 24 का स्प्रे आते हुए टीम नंबर 9 का एक बंदा नॉक हो चुका है, टीम नंबर 9 को पता चल गया कि आगे दो बंदे कोई ना कोई दो बंदे प्रोन एंड दे विल ट्राई टू टेक ट्रेड नॉक एंड यहाँ पर टीम नंबर 24 24 का एक बंदा नॉक हो चुका है एंड आई थिंक सिद्धू ओपी इज नॉक्ड आउट राइट नाउ एंड आई थिंक टीम नंबर 24 को दो बंदे नॉक एंड वहाँ पर टीम नंबर 24 की एक और फाइट चलते हुए टीम नंबर 24 ने वो जो सोलो बंदा था उसको फिनिश कर दिया एंड यहाँ पर टीम नंबर 24 के दो बंदे नॉक पड़े हुए एंड यू नो दे विल इजीली गेट फिनिश राइट नाउ बिकॉज टीम नंबर 24 को जो दो बंदे दे डोंट वांट टू टेक अ रिस्क एंड दिस फाइट एज आई सेड दिस ये जो दो टीम इनके बीच की जो फाइट है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है एंड यू एज यू कैन सी टीम नंबर 24 एक साइड जोन एक एज पर जोन पर है एक साइड के एज पर है एंड टीम नंबर 9 एक साइड के एज पर है एंड अब राइट नाउ टीम नंबर 9 इज लुकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग एंड आई थिंक वो अभी चिकन डिनर के लिए जा सकते हैं बिकॉज दे आर 3 मैन स्क्वाड राइट नाउ एंड उनको पता होगा कि अभी ज़्यादा से ज़्यादा 1v1 3 हो सकता है या फिर 2v3 हो सकता है सो वो आई थिंक बहुत ही स्ट्रांगली अग्रेशन दिखाना चाहेंगे एंड अभी राइट नाउ आई थिंक वो लोग लूट कर रहे हैं स्मोक्स एंड नेट लेना चाहेंगे और यहाँ पर मीन वाले टीम नंबर 9 ने डायरेक्ट व्हीकल से रश करने का ट्राई किया एंड टीम नंबर 9 का बंदा भी डाउन हो चुका है यहाँ पर ट्रेड नॉक देखने को मिला ट्रेड फायर एंड आई थिंक टीम नंबर 9 विल टेक द चिकन डिनर इन दिस मैच। ओ माय गॉड ये नॉक एंड फिनिश कर दिया 1v2 राइट नाउ कैन टीम नंबर 24 क्लच दिस, ओ माय गॉड ही इज वेरी लो ऑन HP और यहाँ पर टीम नंबर 9 ने बहुत ही प्यारा चिकन डिनर निकाल लिया है यहाँ पर एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू टीम नंबर 9 क्या मैच था भाई मतलब मुझे तो पर्सनली यार मज़ा आ गया मतलब देख के यार एंड लेट्स सी यहाँ पर
एक बार फिर से देख लेते कौन सी टीम यहाँ पर कौन से पोजीशन पर फिनिश किया एंड कितनी कौन सी टीम के कितने किल्स थे एंड टीम इस कस्टम रूम के अंदर कास्टिंग करने का कमेंट्री करने का बहुत ही मज़ा आया। एंड आपको भी अगर मेरी कमेंट्री अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।